नमस्कार दोस्तों, मैं गरालाल। अभी मैं बाबा बैजनाथ धाम, बिल्कुल उनके धाम पे उपस्थित हूँ। सुल्तानगंज से जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर वाहन यात्रा करके बाबा के दरबार में जलाभिषेक किया। ये हमारे पीछे देख रहे हैं, बाबा का दरबार है, प्रांगण है, और इधर मैया पार्वती जी का स्थान है। और यहाँ इस समय अभी सावन लगने में लगभग एक हफ्ता टाइम है, तो एक हफ्ता समय में अभी जो है सावन लगने में एक हफ्ता का समय है, लेकिन कंवरियों का रेला धीरे धीरे अब लगना शुरू हो गया है और काफ़ी जोर शोर से यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं बाबा के दरबार में, देवघर में। मैंने देखा पंडाल सब सज रहे हैं, बन रहा है, तो यहाँ एक हफ्ते बाद लगभग इतनी भीड़ होगी कंवरियों की कि 2 साल का जो लॉकडाउन में बाबा के दर्शन नहीं किए थे वो शायद बड़ी उमंगता से, बड़े जोश जज्बा से भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। और इनका दर्शन करने के बाद सभी पापों का जो है नाश होता है और जीवन में सुखमय आता है। हम इस समय जो है उनके दरबार में, बिल्कुल बाबा के दरबार में आए हुए हैं। देख रहे हैं यहाँ पे सभी लोग जो है इस इधर से लाइन के माध्यम से जो है दर्शन कर रहे हैं, और बहुत आसानी से, अभी भीड़ नहीं है तो क्रम से जो है आके डायरेक्ट दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कवरियों का भीड़ बढ़ता है उस तरह से जो है सभी को कंट्रोल करने के लिए पंडाल बनाया जाता है और उसमें से लाइन बाई लाइन जो है बारी बारी सबको दर्शन कराया जाता है। भैया पार्वती जी हैं, ज़्यादा यहाँ पे हम कुछ कहेंगे नहीं, पूरा एक बार व्यू देख लीजिए यहाँ पे बाबा बैजनाथ दरबार का। यहाँ पे आपका दर्शन करने मात्र ही आपको सभी सुखों का लाभ होगा, सभी सुख मिलेंगे और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो बाबा के दरबार में हम आए हुए हैं, आपको दर्शन करा रहे हैं। बाकी आप लोग अगर सहयोग करना चाहते हैं, मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बोला है कि आप जो है इच्छानुसार अगर बाबा के दरबार में हमारे सहयोग करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से हमें सहयोग कर सकते हैं, आशीर्वाद रूपदान कर सकते हैं। बाबा का द्वारा आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हम बाबा से विनती कर रहे हैं यहाँ से कि बाबा भोलेनाथ आप सभी की मन्नतें पूरी करें, आपकी जो भी मन्नतें हैं वो पूरी करें, बस आपको कमेंट में जय बाबा बैजनाथ बोलबम लिखना है। दोस्तों यहाँ पे भैया पार्वती जी हैं, देख रहे हैं, बहुत मन को शांति मिलती है। आज जो है मुझे 8 साल बाद पहली बार जो है यहाँ पे बहुत शांति से, बहुत सुकून से दर्शन हुआ है। तो आप लोग भी जो है अगर बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो हम यही कहेंगे कि सावन से पहले ही अगर आप आते हैं तो भोलेनाथ का दर्शन बड़े आसानी से होता है। देख रहे हैं हम दर्शन किए हैं और जो है अभी यहाँ से हम आरती करके चलेंगे बाबा बासुकीनाथ, वहाँ का दिखाएंगे स्थिति क्या है। अभी जो है यहाँ का भीड़ जो है वो देख रहे हैं, बहुत नॉर्मल भीड़ है और बहुत मन को शांति मिलती है। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी सुख जो है बाबा के दरबार के आगे सभी फेल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलबम बोलबम, हर हर महादेव।